एजेंसियों को नाम दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, एजेंसियां वहां हेल्प करती है, नकली केस बनाती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कितनी बार एजेंसी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल का आज सदस्यता अभियान था। तेजस्वी यादव ने पार्टी दफ्तर में कई नेताओं को सदस्य बनाया। सभी को जो है वो पार्टी का जो सिंबल है वो देकर उन्होंने सदस्य बनाया है, खुद भी सदस्य बने। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय कार्यालय से इसकी शुरुआत की और पटना में तेजस्वी यादव ने सभी को जो है वो सदस्य बनाया। उस दौरान तेजस्वी यादव ने जो उनके ऊपर ईडी ने समन भेजा है, उनके भाई को भी यानी तेज प्रताप यादव को भी समन भेजा है, उन्होंने साफ तौर पर उस पर जवाब दिया है। ये रूटीन वर्क हो गया है। एजेंसियों को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाया है। किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो ईडी के द्वारा जो कोर्ट के द्वारा जो समन भेजा गया है उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। अरे भाई साहब, रूटीन वर्क है। पहले एजेंसियों को नाम दिया जाता है बीजेपी के द्वारा, एजेंसी वहां हेल्प करती है, नकली केस बनाती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है, चार्ज कॉन्फिडेंस दिया जाता है, फिर चार्जशीट होता है, फिर चार्जशीट हुआ वो बिल देते हैं, देते हैं, ये प्रक्रिया है। तो जो बीजेपी कहती है वही एजेंसी करती है, लेकिन कोर्ट में ट्रायल जब चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी तो होता है। जितने भी ऑपोजिशन लीडर जो है, जिन जिन पर इन लोगों ने मुकदमा कराया है, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग डरपोक और डर लगता है। लेकिन जिन नेताओं का मामला केस कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कितनी बार एजेंसी को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग देखें तो एजेंसियों को फटकारा है, और एक तरह से अगर आप ऑब्जर्वेशन का अध्ययन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि भाई ये केवल टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से और कुछ नहीं। सर, लालू रसोई भी चलाई जा रही है कि खबर आई वहां चलता नहीं पता, और क्या मदद मतलब कर चला रहे हैं लोग, चलाते हैं केवल लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग जो है, सभी लोग जो है रसोई चल रही है। हमारे प्रशासन अधिकारियों से बात हो रही है, आज से थोड़ा पानी जो है कम हो गया, 2 दिनों में और पानी कम हो जाए, नाव की व्यवस्था, कम्युनिकेशन की व्यवस्था और एसडीआरएफ की टीम को जो है वहां तैनात किया गया है, और भी नाव की जरूरत पड़ेगी तो।